नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को इस वीडियो में लाए हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। दोस्तों इस हिंदी टेस्ट में हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्थानापन्न, इसलिए सही आंसर है ए स्थानापन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुग्रीव, इसलिए सही आंसर है बी सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अत्याज्य, इसलिए सही आंसर है ए अत्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, एक शब्द क्या होगा? दोस्तों जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन न किया जा सके, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुल्लंघनीय, इसलिए सही आंसर है सी अनुल्लंघनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो धरती फोड़कर जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है उद्भिज, इसलिए सही आंसर है बी उद्भिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सेना रहती है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जहां सेना रहती है, वाक्य के लिए एक शब्द है सैन्यवास, इसलिए सही आंसर है सी सैन्यवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द है कूप मंडूक, इसलिए सही आंसर है ए कूप मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों 2 बार जन्म लेने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है द्विज, इसलिए सही आंसर है सी द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें उत्साह न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसमें उत्साह न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निरुत्साह, इसलिए सही आंसर है ए निरुत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला हो, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं, इसलिए सही आंसर है डी त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य हेतु एक शब्द है प्रतिष्ठित, इसलिए सही आंसर है सी प्रतिष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी न सुना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अश्रुतपूर्व, इसलिए सही आंसर है डी अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिसका शोषण किया जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वह जिसका शोषण किया जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है शोषित, इसलिए सही आंसर है ए शोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतुलनीय, इसलिए सही आंसर है सी अतुलनीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भूगर्भवेत्ता। इसलिए सही आंसर है बी भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। इसलिए सही आंसर है डी सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन को धारण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सुदर्शन को धारण करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुदर्शनधारी। इसलिए सही आंसर है डी सुदर्शनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सफल प्रयोजन। इसलिए सही आंसर है डी सफल प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वभक्षी। इसलिए सही आंसर है सी सर्वभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है शुभगा। इसलिए सही आंसर है ए शुभगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वयंभू। इसलिए सही आंसर है बी स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हथियार जो हाथ में थाम करके चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो हथियार हाथ में थाम करके चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। इसलिए सही आंसर है ए शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तरह के हथियार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सभी तरह के हथियार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आयुध। इसलिए सही आंसर है ए आयुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम। इसलिए सही आंसर है ए अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो कुछ नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञ। इसलिए सही आंसर है डी अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जल को धारण करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है जलधर। इसलिए सही आंसर है डी जलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभियोग का विरोध करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो अभियोग का विरोध करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रतिवादी। इसलिए सही आंसर है ए प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो बहुत जानता है इसके लिए एक शब्द होगा बहुज्ञ। इसलिए सही आंसर है बी बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा बुभुच्छा। इसलिए सही आंसर है बी बुभुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मारी मृत। इसलिए सही आंसर है सी मारी मृत। तो दोस्तों इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बनने वाले जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन थे जो परीक्षा में 2-3 बार पूछे जा चुके थे इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में फिर हम आपके लिए इसी से रिलेटेड नई वीडियो लाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।